गोरखपुर सीट से योगी को हराने के लिए अखिलेश ने कसी कमर। समाजवादी पार्टी चल रही है गोरखपुर की सीट पर बड़ा पैंतरा। सालों से योगी की रही गोरखपुर की सीट पर अब समाजवादी पार्टी अपनी ताल ठोक रही है। बसपा के मैदान छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी नया पैंतरा चल रही है। क्या वाकई इस सीट में योगी के बाद अब सेंध लगेगी? जी हाँ, गोरखपुर सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की दावेदारी और मजबूत नजर आ रही है। बसपा के पीछे हटने से मुस्लिम वोट बैंक सीधा सपा के खाते में जा सकता है। इसके अलावा गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में निषाद समाज की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी का समर्थन लेकर एक ऐसा समीकरण बना दिया कि अब बीजेपी के लिए गोरखपुर सीट ना आसान नहीं होगा। वहीं अतीक अहमद के मैदान में उतरने से फूलपुर से जो कमजोर हो रही समाजवादी पार्टी, गोरखपुर से उम्मीदें बढ़ गई हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने भी सीट को लेकर काफी उत्साह है। राजनीतिक विश्लेषक गोरखपुर में एक अच्छी लड़ाई की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार 2014 वाला समीकरण शायद बीजेपी के लिए काम ना आए, क्योंकि अब यहां बसपा भी मैदान में नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बसपा कार्यकर्ताओं से समर्थन भी मांगा है। आपको बता दें कि गोरखपुर की सीट से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद बनते आ रहे हैं। ऐसे में अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है और इस सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी के लिए सीट नाक की लड़ाई है। वहीं सपा पूरा दमखम लगाकर इस सीट को अपने कब्जे में करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में योगी का डंका बजता है। हर सीट पर योगी की लहर है, लेकिन उपचुनाव में पैंतरा अब समाजवादी पार्टी चल रही है। ऐसे में क्या वाकई योगी और मोदी की लहर को समाजवादी पार्टी चुनौती दे पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए और हेडलाइंस इंडिया को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को अभी ऑन कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।